आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं WWE 2K20। तो आज का जो मैच है वो अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट के बीच में, ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है और यहाँ से शुरुआत होती है अंडरटेकर की स्ट्रीक की। तो आज का जो मैच में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, देखते हैं इस मैच को कौन जीतेगा। रेफरी ने यहाँ पर रिंग कर दिया है और यहाँ पर अंडरटेकर ने जाकर इसकी छाती पर टक्कर मारी, बट भाई ये तो गिर के राजी नहीं है। मैं आपको बताना भूल गया, अंडरटेकर यहाँ पे मेरा प्लेयर है और आज मुझे इस आंद्रे जायंट को, भालू को हरा देना है। ये भाई करीबन मुझे 200 किलो का लग रहा है क्योंकि मैंने इसको काफ़ी टक्कर मारी और ये भाई यहाँ पे मुझे ना मतलब ये डोमिनेट सा कर रहा है, बिल्कुल भी अंडरटेकर को उठने का मौका नहीं दे रहा है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे अब मैं रिवर्सल लेने की कोशिश करूँगा, बट भाई इसने मेरी यहाँ पे पटकी ले दिया है और ये भाई बिल्कुल भी मौका नहीं ले रहा है। दर्शक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है क्योंकि ये इतना ग्रैंड मैच है। तो देखते हैं इस मैच में किसकी जीत होती है। यहाँ पे भाई ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेलता ही चला जा रहा है और बिल्कुल भी मतलब रिवर्सल करने का मौका नहीं दे रहा। यहाँ पे मैंने इसको रिवर्सल दिया है, अब मैं इसकी पटकी लेने की कोशिश करता हूँ, बट ओ माय गॉड यहाँ से पे इसने दोबारा से रिवर्सल कर दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, तो यहाँ पे जो अंत तक खड़ा रहेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से खड़ा हो चुका हूँ, तो यहाँ पे अब ये मेरी दोबारा से पटकी लेने की कोशिश कर रहा है, बट भाई इसने तो क्या ही बताऊँ मतलब इस तरीके से डोमिनेट कर दिया, पता नहीं क्या खा क्या है, जैसे कि आज ये मुझे जीत नहीं दे देगा। बट मुझे अब यहाँ पे रिवर्सल देना होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके मुंह पे एक पंच मारा है, नॉकआउट पंच है, तो अब मैं रिंग के अंदर आ चुका हूँ। बट यहाँ पे इसने मुझे फिर से रिवर्सल दे दिया है, ये भाई क्या चाहता क्या है। तो यहाँ पे मैंने इसके मुंह पे लात मारी है और अब मैं इसके रोप के ऊपर से इसके ऊपर गिरता हूँ, तो ऑल एक्साइटेड, क्या मजा आने वाला है। इसके ऊपर से जैसे गिरा, ओ भाई साहब इसकी छाती पे मतलब इतना तगड़ा इंपैक्ट पड़ा है ना पीठ पे, अब इसकी लात भी पड़ चुकी है, अभी बिल्कुल चित परिचित हो गया है। जब से तो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब मारता ही जा रहा था, डोमिनेट कर रहा था, बट अभी गेंडा स्वामी आराम से लेट गया है। तो अब यहाँ पे एक बार ये फिर से उठ गया है भाई, इसकी एक तो मेरे को बनियान समझ नहीं आ रही, इसने एक ही कंधे में स्ट्रैप बांध रखी है एकदम बिग शो की तरह, और भाई इसका वजन ही बिग शो की तरह ही है अगर मैं आपको सही बताऊँ तो। तो यहाँ पे दोबारा से अंदर आ चुका है और भाई अब मैं इसको पटकी, यार मतलब अलग ही खेल रहा है बंदा आज, ये बिल्कुल हार मानने को राजी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसकी ली है पहली पटकी, वही मैं इसको उठा के नहीं ले पाया क्योंकि भाई इसका वेट इतना है, अंडरटेकर भी इसको नहीं उठा पा रहा है, बहुत कुछ करी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ नीचे भाई कोई हथौड़ा कुछ मतलब ऐसा सामान हो, कुर्सी वर्सी हो, तो मैं इसका लेके इसकी छाती फोड़ दूँ, मन तो बेराज कर रहा है। यहाँ पे अभी नीचे आ चुका है पर भाई मेरे को इसके अंदर कुर्सी वर्सी कुछ भी नहीं मिली, जैसे कि ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है कुछ तो रखना चाहिए था इसके नीचे, कुर्सी वगैरह कुछ तो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अब इसने मेरे को दोबारा से रिवर्सल देने की कोशिश करी है और भाई यहाँ पे ये अब मेरी पीठ पे लात मार रहा है। तो यहाँ पे इसने मैच में दोबारा से बैक कर दिया है और रेफरी यहाँ पे काउंट गा रहा है, भाई वो किसके लिए गा रहा है मुझे ये नहीं पता लग रहा है क्योंकि मैच तो अभी यहाँ पे चल ही रहा है। और यहाँ पे इसने मेरी पटकी ले दी भाई, पूरी पीठ पे इम्पैक्ट आया है और भाई मुझे नहीं लग रहा कि मुझे आज ये मैच जीतने देगा। और यहाँ पे एक और बार इसने मुझे खड़ा कर दिया है, ओहो यहाँ पे अब इसने मेरे को इस बैक लगाने वाला है, बट यहाँ पे मैंने इसका रिवर्सल देके इसको पटकी दे दी है और इस मोटे को गिरा दिया नीचे, मोटे भाग, मोटा नीचे भाग रहा है, मोटा अब दोबारा आ जा, मोटे अंदर आ, अंदर आ, मोटा ही मतलब भाई एकदम भालू की तरह चढ़ के आता है, मतलब पूरी पूरी रिंग के ऊपर से चढ़ के आता है। यहाँ पे मैंने इसको एक और यहाँ पे खपच्ची दमारी है इसकी छाती पे और ये अपनी छाती लेके पड़ चुका है नीचे। अब रेफरी यहाँ पे पिनफॉल कर रहा है तो हम इसे करने देते हैं। तो यहाँ पे 2-3 मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये अब यहाँ पे उठ पाएगा क्योंकि भाई मैंने इसको यहाँ पे खूब पेला है और ये अब बिल्कुल चित परिचित होने वाला है, इसको पेल पेल के यहाँ पे लिटा दिया है और भाई यहाँ पे एक बार ये फिर से खड़ा हो चुका है। भाई मतलब रिवर्सल दिया ना इसने, ओके ओ ओ माय गॉड, इसने मेरे को दोबारा से यहाँ पे पटकी दे दिया है और पटकी लेकर के इसने भाई मेरी कमर सी तोड़ दिया है। और यहाँ पे अब मुझे उठना होगा इससे पहले कि यहाँ पे रेफरी 10 सेकंड दिखाए, बट यहाँ मैं एक ही गिनती में उठ चुका हूँ और यहाँ पे अब इसने फिर से पटकी ले दी है। ओ हो यहाँ पे मैंने इसको रिवर्सल दिया और अब मैं इसके ऊपर भाई काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाऊँगा क्योंकि अब मैं इसको ना मैच में वापस आने ही नहीं दूंगा, अब मैच को ख़त्म करने की बारी आ गई, बहुत हो गया यहाँ पे, मतलब ये मुझे बच्चा समझ रहा है अंडरटेकर को, बेटे हम लेजेंड है इतनी आसानी से नहीं हारते। तो रेफरी ने यहाँ पे गिनना शुरू कर दिया है और मैं भी थोड़ा यहाँ पे इमोट पेल रहा हूँ अंडरटेकर के, थोड़ा मतलब मज़ा आता है इमोट करने में। और दर्शक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, सारे काउंटिंग चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनको इतना बड़ा मैच देखने मिला है। यहाँ पे एक बार फिर से ये मोटा खड़ा हो चुका है, ये तो भाई आज ओके, तो यहाँ पे इसने रिवर्सल दिया है और भाई इतना तगड़ा इम्पैक्ट दिया है ना मतलब इसने मतलब यहाँ पे पटकी में, और भाई ये इतना वजन लेके मेरे मुँह के ऊपर चढ़ गया है, भाई बड़ा ही खतरनाक खेल रहा है आज ये। और यहाँ पे मैंने इसको एक बार फिर से रिवर्सल देने की कोशिश करी और यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने इसको पटकी दे दी है। अब मैं इसके ऊपर एक और बार रोप से
चढ़ता हूँ, बट मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि नीचे मुझे क्या पता अभी यहाँ पे इस वाले कोने में कुर्सी मिल जाए, बट यहाँ पे भी कुर्सी नहीं मिली है। तो यहाँ पे अब मैं इस लैडर से इसको मारूंगा और इस मैच को ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, और भी मैच लड़ने हैं हमें। तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पे मारता हूँ और इस मैच को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो एक बार फिर से मोटा खड़ा हो चुका है, मैं यहाँ पे अब ये स्टील का लैडर ला चुका हूँ जिसका वेट भाई काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये अगर इसके सर पर पड़ी तो पक्का ब्लड तो निकलना ही है। अभी मोटा भाई डर के क्यों भाग रहा है ये यार, मतलब जब इसके ऊपर से आता है ना रिंग के ऊपर से बालू लगता है, तो इसके पड़ी एक तो पड़ गई, इसके भाई मुँह पर एक दो और मारता हूँ और यहाँ पे अब रेफरी गिनेगा और मैच हो जाएगा ख़त्म। बिल्कुल यहाँ पे हम मैच जीतने की कगार पर हैं और भाई यहाँ पे ये फाइनल मार दी मैंने इसके, और अब इसको मैंने फेंक के अब थोड़ा इमोट करते हैं, क्योंकि भाई अब तो ये मैच मुझे तो अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं लग रहे कि यहाँ पे ये उठने वाला है, तो यहाँ थोड़ा इमोट कर लिया जाए। और दर्शक भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उठ के खड़े हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता ही मैच यहाँ पे लगभग ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे आंध्र जाइंट इसका उठने का कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा। 7, 3 रिंग और 8, 2 और 9 और ये 10, ओके। तो यहाँ पे हमने इस मैच को जीत लिया है और हम बन गए हैं यहाँ पे अपनी स्ट्रिक में पहला मैच यहाँ पे अंडरटेकर ने जीत लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मैच पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लेजेंड थे और इनके मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट सिचुएशन हुई, काफ़ी एक्शन पैक भरा माहौल रहा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।